सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट टाइम हमने जो देखा था फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड जीरो ऑर्डर, सॉरी। सो इसके बाद आज हम फिर से शुरू करने वाले हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, द टॉपिक ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। सो बिना स्किप किए ये वीडियो पूरा देखना। सो लेट अस बिगिन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। सबसे पहले बेसिक से देख लेते हैं कि ये एक्चुअली होता क्या है। ओके, सो सपोज हम करते हैं कोई रिएक्शन को, रिएक्शन का रेट एग्जांपल लेते हैं एक। सो वो है रेट है रिएक्शन का, रेट इज इक्वल्स टू के ए बी। ओके, यह मैं समझ में आ गया। और इसमें हम एक कंडीशन पुट आउट करेंगे कि जो ए होगा वो लेस देन बी होगा, जो ए होगा वो लेस देन बी होगा। ए का कंसंट्रेशन लेस होगा बी की कंपैरिजन में। सो एक वैल्यूज अज्यूम कर लेते हैं कि ए का जो वैल्यू है वो है 0.01 मोलर और बी का जो वैल्यू है वो है 55.55 मोलर। सो ये क्या होता है, ये बेसिकली हम सबको पता है कि ये मोलारिटी वाटर की होती है। ओके, ये वाटर की मोलारिटी होती है। ओके, सो अब जैसे कि ये एज ये कम है इसकी कंपैरिजन में, सो दिस माइनस दिस अगर हम करेंगे, ओके, सो हमें क्या मिलने वाला है, हमें क्या मिलने वाला है। ओके, हमें मिलेगा 55.55 माइनस 0.01, सो हमें मिलेगा 55.54 मोलर, विच इज इक्वल टू 55.55 मोलर। सो इसका बेसिक फंडा क्या होता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का, जो दिखता है वो होता नहीं है। ओके, ऐसा याद करने के लिए है। ओके, सो हमने इसमें से इसको माइनस किया, सॉरी, हमने इसमें से इसको माइनस किया, फिर भी हमें उतना ही मिला। उतना ही मतलब इसको हम 4 लिखे या 5 लिखे कोई फर्क पड़ेगा, ये वैसे भी 5 होने वाला है। ओके, सो इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सो हम एक अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, हम एग्जांपल में लेने वाले हैं कि जो रेट होगा, फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोलिसिस जो होता है मिथाइल एसीटेट का H+ की प्रेजेंस में, सो हमें क्या मिलता है, हमें मिथेनॉल और इथेनॉइक एसिड मिलता है। ओके, तो इसमें हमारा जो रिएक्टर्स का कंसंट्रेशन होगा वो बनेगा 1 and 1। ओके, सो इट इज़ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, बेसिकली एक एग्जांपल था। ओके, तो इसमें और कुछ खास है नहीं। सो हम आगे बढ़ते हैं आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में। ओके, आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, इसमें पहले तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कि हम पहले उसका इंग्लिश में डेफिनेशन समझ लेते हैं। आर्हेनियस रिएक्शन गिव्स रिलेशन बिटवीन रिएक्शन रेट एंड टेम्परेचर। ओके, आर्हेनियस रिएक्शन जो होता है वो हमें रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बताता है। ओके, तो उसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, वो है के प्रपोर्शनल टू ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब यहाँ प्रोपोर्शनल है तो हमें कांस्टेंट डालना पड़ेगा, के इज इक्वल्स टू ए ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी। ये ई ए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। ओके, सो कंफ्यूज मत होना, वो हम देखेंगे आगे। ओके, सो इसमें जो के है, सबसे पहले सब क्या देख लेते हैं क्या है, ये जो के है इसमें ये क्या है, ये है रिएक्शन रेट कांस्टेंट।
ए जो है वो आर्हेनियस भैया का स्पेसिफिक कांस्टेंट है, आर्हेनियस कांस्टेंट है। ये जो बड़ा वाला ई है, ये जो बड़ा वाला मतलब ई ए है, वो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अ रिएक्शन, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। ओके, ये जो आर है वो तो हमें पता ही है, गैस कांस्टेंट। ये जो टी है ये है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ओके, नॉर्मल टेम्परेचर नहीं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, अब हम इस इक्वेशन में लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ओके, सो लेट्स राइट, हम लेंगे लॉग, ओ सॉरी, लॉग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड में लॉग लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस e जीरो नहीं, ई ए ही आएगा, ई ए बाय आर टी, ई ए बाय आर टी, और हम लॉग को सॉरी ln को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो हमें जो फाइनल इक्वेशन मिलने वाला है, ओ सॉरी, तो हमें जो फाइनल इक्वेशन मिलने वाला है वो है, वो है लॉग के इज इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, ये दिख रहा है, ये टी है। ओके, लॉग के इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 ई अपॉन 2.303 आर टी। अभी इसका ग्राफ देख लेते हैं, इसका ग्राफ क्या होने वाला है। सो ये इसका ग्राफ है बेसिकली, बेसिकली ये जो ग्राफ है वो है लॉग के और टेम्परेचर इन्वर्स के बीच में। ओके, ये ऊपर जो है, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ यहाँ मेरा पॉइंटर, हाँ यहाँ ये इंटरसेप्ट है, सॉरी ये इंटरसेप्ट है, रहिए क्या हो रहा है, इंटरसेप्ट इक्वल्स टू ln a, हमें जो ln a मिला था ये वो है, और ये जो है ये पॉइंट, ये स्लोप है माइनस ई अपॉन 2.303 आर। आई होप कि आपको सब कुछ चीज़ें समझ में आ गई होगी। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्हेनियस इक्वेशन टू डिटरमाइन एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो हम आर्हेनियस इक्वेशन से डिटरमाइन करने वाले हैं। सो इसके दो वेज होते हैं, इसके दो मेथड्स होते हैं। सो सबसे पहले इसका मेथड वन देख लेते हैं हम लोग। मेथड वन में क्या होने वाला है कि जो स्मॉल चेंज होता है जो टेम्परेचर पे, सॉरी जो, हाँ जो टेम्परेचर पे स्मॉल चेंज होता है वो आर्हेनियस कांस्टेंट जो कि, सॉरी जो कि है ए, हमने देखा था आर्हेनियस कांस्टेंट ए, उस पर कोई फर्क डाल नहीं सकता है। ओके, आर्हेनियस कांस्टेंट पे कोई फर्क डाल नहीं सकता है। तो हम कोई रेट कांस्टेंट्स की दो वैल्यूज लेते हैं जो कि है, जो कि है K1 एंड K2, और हम टेम्परेचर की दो वैल्यूज ले लेते हैं T1 एंड T2, और हम इसका अब आर्हेनियस इक्वेशन लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। लॉग K1 इज इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ए अपॉन 2.303 आर टी, ये हमारा आर्हेनियस इक्वेशन है। लॉग ओके T1 है इधर, और सिमिलरली लॉग K2 इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन
2.303 आर टिटो, अंडरस्टैंड? ओके, यहाँ पे अब वन में से सेकंड को माइनस करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे, सो हमें इवेंचुअली एक इक्वेशन मिलेगा, लॉग के टू अपॉन के वन इज इक्वल्स टू ये अपॉन 2.303 आर इंटू ब्रैकेट वन अपॉन टी वन माइनस, इधर माइनस नहीं दिखेगा, माइनस वन अपॉन टिट टू, अंडरस्टैंड? सो ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी का इक्वेशन डिराइव्ड फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन में से हमें मिल चुका है. अब लेट अस सी द मेथड टू क्या होने वाला है. सॉरी, ओके, मेथड टू ये होने वाला है कि इसमें बेसिकली कोई कुछ नहीं है, ये ग्राफ दिया हुआ है कि ये ग्राफ है 1/t और log k के बीच में. यहाँ जो वैल्यू मिलेगी ये सब log a की वैल्यूज है, और इसमें नॉर्मली एक डेरिवेशन दिया हुआ है कि जो नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप यहाँ आने वाला है, आपको याद ही है वो नेगेटिव स्लोप क्या है, ई अपॉन 2.303. ओके, और जो आर वाला स्लोप है उसमें सिर्फ आर ऐड होने वाला है, और इधर नेगेटिव का साइन. ओके, सो ई ए इज इक्वल्स टू 2.303 आर हमें मिल गया. बस और कुछ है नहीं इस वाले आंसर में, रिलेशन बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी एंड इट्स रिलेटिव थ्रेशोल्ड. तो देख लेते हैं कि इस टॉपिक में क्या होता है. सबसे पहले हम इसका बेसिक्स जान लेते हैं. इसमें होता है कि जो आर्हेनियस इक्वेशन जो है वो ये कहता है कि रेट कांस्टेंट जब बढ़ता है एक्सपोनेंशियली, टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ, तो हमारा जो इंक्रीज होता है टेम्परेचर का, वो होता है 300 to 310 केल्विन्स, इतना इंक्रीज होता है. और इसमें काइनेटिक एनर्जी जो होती है, मॉलिक्यूल्स की, वो इंक्रीज करती है बाय थ्री परसेंटेज. ओके, क्योंकि वो आर्हेनियस इक्वेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, अंडरस्टैंड? ओके, और दूसरी तरफ जो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस होते हैं उसमें रेट कांस्टेंट जब डबल करते हैं सो वो इंक्रीज 100% होता है, और उसका टेम्परेचर इंक्रीज 10 केल्विन होता है नियर टू रूम टेम्परेचर. ओके, सो ये समझने के लिए हमें ये ग्राफ देखना होगा. ओके, हमें ये ग्राफ देखना है कि ये ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बिटवीन. ओके, हाइलाइटर, काइनेटिक एनर्जी और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसके बीच में ये ग्राफ है. ओके, इसमें ये है कि ई एवरेज प्रोपोर्शनल टू टी वन एंड ई एवरेज प्रोपोर्शनल टू टी टू. ओके, इसमें ये देखो, ये वाला जो लाइन है, एक मिनट कलर बदल देते हैं सो आपको पता चले, ये वाला जो लाइन है ये जा रहा है इधर ऊपर तक ही रह रहा है, नीचे आ ही नहीं रहा है, जीरो नहीं हो रहा है. ये लाइन है ई एवरेज प्रोपोर्शनल टू टी टू, और ये वाला जो लाइन है जीरो से स्टार्ट होकर नीचे आ रहा है और जीरो हो रहा है, अंडरस्टैंड? और इसमें दूसरी क्या चीज़ है जो हमें याद रखनी है. ओके, इसमें दूसरा क्या है कि जो ग्राफ है जिसमें रिलेटिव
एवरेज जो होता है रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी का, वो इंक्रीज होता है, बट पॉपुलेशन जो मॉलिक्यूल्स जब कोलाइड करते हैं, जिसमें थ्रेशोल्ड एनर्जी गिवन है उसमें टेम्परेचर 10 केल्विन इंक्रीज होता है। सो इसका हम फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होगा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर इनटू ई स्टार। ओके, ये थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी मैं बोला, थ्रेशोल्ड रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी वो ये है। अंडरस्टैंड? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। जो कैटालिस्ट का जो फंक्शन होता है, बेसिक मेन फंक्शन वो होता है कि रिएक्टेंट को कंबाइन करे। वो रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होता है सो हमें उसमें से एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, एक प्रोडक्ट मिलता है। ओके, इसके बीच का जो ट्रांजिशन स्टेट होता है वो ज़्यादा टाइम तक रहता नहीं है। ओके, एडक्ट जिसे कहते हैं, जैसे कि कोई भी रिएक्शन हो उसके बीच में एक रिएक्शन स्टार्ट होके एंड हो, उसके बीच में क्या हो रहा है उसे एडक्ट कहते हैं, जो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए नहीं रहता है। ओके, सो वो तुरंत ही प्रोडक्ट दे देता है। अंडरस्टैंड? और हमें हमारा ओरिजिनल कैटालिस्ट बैक मिल जाता है, हमें हमारा ओरिजिनल कैटालिस्ट वापस मिल जाता है। कैटालिस्ट ट्राई करता है हमेशा हमेशा कि एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो, और एनर्जी बैरियर का जो हाइट है, वो इंक्रीज होता रहे। एनर्जी बैरियर क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो ही है, तब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और हमें फाइनली एक रिएक्शन मिलता है, सो मेन फंक्शन जो होता है कैटालिस्ट का वो होता है एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करने का। ओके, और यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है, हाँ ये ग्राफ है बिटवीन रिएक्शन कोऑर्डिनेट एंड हमारी पोटेंशियल एनर्जी, इसमें क्या बताया गया है कि जो अनकैटालाइज्ड वाला जो लाइन है, ये रिएक्टेंट्स वाली बेसिक लाइन, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, ये रहा, ये बेसिक रिएक्टेंट्स वाली लाइन, यहाँ से ये एक्टिवेशन एनर्जी, ये और ये यहाँ से स्टार्ट होती है। जो अनकैटालाइज्ड है वो प्रोडक्ट मिलता है हमको जिसमें ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी की ज़रूरत है। ओके, और ये जो कैटालाइज्ड है उसमें कम पोटेंशियल एनर्जी में हमको प्रोडक्ट मिल जाता है। और ये जो है, ये हमारी बात हुई, ये क्या है, ये है एनर्जी बैरियर, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर की जो हाइट हमने दिखाई ना, मैंने कहा ना वो क्या होता है, वो ये होता है। ओके, सो एक जो होता है कैटलिस्ट का फंडा वो है कि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर फ्री एनर्जी चेंज जो कि डेल्टा जी होता है, और के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों को अफेक्ट नहीं करता है, और जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं उस पर ही वो कैटालाइज अपना इफेक्ट देता है। और जो कैटालिस्ट होता है वो सेम अफेक्ट करता है अपने आप को, जैसे कि कोई भी फॉरवर्ड रिएक्शन हो उस पर भी उतनी सेम एनर्जी लगाता है, और रिवर्स हो उसमें भी उतनी सेम एनर्जी लगाता है, कहीं पर भी भेदभाव नहीं करता है। ओके, और जो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट जो है के है हमारा, जो हमारा K है वो चेंज नहीं होता है, बट रिएक्शन का रेट है उसका वैल्यू चेंज होता आता है विथ एन इंक्रीज, इसका वैल्यू इंक्रीज के साथ चेंज हो जाता है। ये रहा हमारा इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट 2 मार्कर क्वेश्चन। नेक्स्ट अप
नेक्स्ट नेक्स्ट कोलिजन थियरी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा ओनली कोलिजन थियरी वाला वीडियो हो। अभी के लिए हम एक नया टॉपिक पकड़ते हैं। जो एनर्जी बैरियर होता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एनर्जी बैरियर एग्जिस्टिंग बिटवीन द रिएक्शन मॉलिक्यूल्स मतलब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू डिसाइड द रेट ऑफ रिएक्शन। दोनों का एनर्जी बैरियर होता है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारे लिए रेट को जानने के लिए। ओके जब जब एनर्जी बैरियर हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं अभी इसको टेम्पररी, वो इंक्रीज होगा रेट होगा ना वो लो होगा, उसका रेट लो होगा। और जिसमें एनर्जी बैरियर लो होगा उसका रेट जो है वो हाई जाने वाला है, ये याद रखना है हमें। ओके अगर कोई रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कैरीड आउट किया जाए तो उसका जो नया टाइप का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हमें मिलता है उसमें कैटलिस्ट भी यूज़ होता है। सो जो नया हमें कॉम्प्लेक्स मिलने वाला है उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम मिलने वाली है, मतलब के जो एनर्जी बैरियर का हाइट है वो डिक्रीज होने वाला है व्हेन द रिएक्शन इज डन विथ अ कैटालिस्ट। ओके समझ में आ गया। और जो मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे उसमें भी एनर्जी लो होगी, ऑब्वियसली है एनर्जी बैरियर ही लो है। ओके जो रिएक्शन में पार्ट ले रहे थे और जो एब्सेंस में थे कैटालिस्ट की, जो रिएक्शन में पार्ट ले रहे थे उसका रेट बढ़ने वाला है। सो फाइनली हमारे आज के जो कितने की है 3 टॉपिक, यस आज के जो हमारे 3 टॉपिक है वो कवर्ड अप हो चुके हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई नया टॉपिक सीखना हो, कोई नई चीज़, कोई डाउट, कुछ भी हो, कमेंट में जाकर ज़रूर बताना हमें। और सबसे पहले इस वीडियो को जाके लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।